नमस्ते, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आई होप सो कि आप सब बहुत ही सही होंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, ये मेरी फर्स्ट आउटडोर शूट थी, मेगा मल्टीमीडिया व्लॉग, तो देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके। आपने थंबनेल और टाइटल से देख रखा होगा कि आज हम जाने वाले हैं जावेद हबीब, और ये मेरा जावेद हबीब का पहला एक्सपीरियंस होगा। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा वहाँ पे हेयरकट होता है, और फुल टाइम लैप्स, सॉरी हाइपर लैप्स आपको लेके दिखाएंगे कैसा लगता है, अंदर से भी आपको दिखाएंगे जावेद हबीब। और चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं जावेद हबीब। अगर आपको आवाज आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है, मेरा माइक भी कम नहीं कर पा रहा आवाज को। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। डिफरेंस देख सकते हो, अभी मैंने हेयर कट कराया है जस्ट नाउ, और आप देखो कि पहले मैं कैसा था जाने से पहले यहीं पे, और अब कैसा हूँ। चलिए घर चलते हैं, फिर थोड़ा आपको दिखाते हैं सेट करने के बाद बाल कैसे लगते हैं, और आपको यहाँ पर रिजल्ट बताएंगे। चलिए आप देख सकते हो मैं बाल अभी सही कुछ सेट करके आया हूँ, बस मुझे एक दिक्कत लगी, जो बाल वहाँ पे सेट हो जाते हैं वो वापस यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है, हेयर ब्लोअर। बस इतना डिफरेंस लगा, बाकी एक्सपीरियंस तो बहुत सही लगा, बहुत परफेक्शन वहाँ पे था आया के बालों में। और हेयर कटिंग एक आर्ट है, और हर उस तरह समझ लीजिए आप जो हेयर कट करते हैं वो आर्टिस्ट हैं सपोज करिए, तो हर आर्टिस्ट की अलग आर्ट होती है, मीन हर इंसान की अलग तरीके से काटता है, इतना डिफरेंस है। पर जो आप जावेद हबीब या कोई और अच्छे सैलून में आप जाओगे तो वहाँ और अच्छे आपको हेयर कट वाले मीन्स आर्टिस्ट मिलेंगे, जो हेयर कट की आर्ट में उतने प्रोफेशनल होंगे, मीन्स उतने अच्छे होंगे, तो इतना डिफरेंस आता है। और शाहजहानपुर में भी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है एज़ कंपेरिजन टू अदर सिटीज़ में जावेद हबीब है, उससे बहुत ही प्राइस कम है, इकोनॉमिक प्राइस है, मीन सही है आप लोगों के लिए, आपको आना चाहिए। बस मैं ऐसा ही कहूँगा कि आपको एक बार जावेद हबीब आना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, डिफरेंस आपको खुद समझ में आएगा। और आई होप सो कि आपको टाइम लैप्स अच्छे लगे होंगे। मैं ज़्यादा वहाँ पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग नहीं चाहते कि वो कैमरे में आएँ, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा मैंने वीडियो काफ़ी नहीं करी, खुद बस खुद ही कैप्चर किया और आपको दिखाया, और आपने देखा होगा कि कैसे कटिंग हो रही थी। और जो जावेद हबीब है वो टाउन हॉल में है लंडन शेक्स के जस्ट पास में, और आपने अगर लंडन शेक वाली वीडियो नहीं देखी देखिएगा फाइव बटन क्लिक करके। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए तरीके से। जय हिंद, जय भारत, एंड बूम।